राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि रंग पंचमी कब है और रंग पंचमी पर क्या करें कि भगवान आपके जीवन को रंगों से भर दें। रंग पंचमी का महत्व क्या है? बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, रंग पंचमी जो कि चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाती है। बंधुओं, यह त्योहार 2022 में आज 22 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रहा है। बंधुओं, इस दिन देश भर में कई धार्मिक और रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं। बंधुओं, रंग पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बंधुओं, अपने नाम के अनुसार यह पर्व जीवन में रंगों के महत्व को दर्शाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं, वे एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और समान रूप से सुंदर और रंगीन जीवन की कामना करते हैं। बंधुओं, यह पर्व चैत्र मास में मनाया जाता है। यह त्योहार रंगों और खुशियों का त्योहार है। रंगों के त्योहार के रूप में भी जाने जाने वाले इस त्योहार को एक परंपरा के रूप में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल फेंकते हैं, ढोल बजाकर गीत गाते हैं, सभी एक दूसरे पर रंग लगाकर घर घर जाते हैं। लोग इस दिन अपनी कड़वाहट को छोड़कर एक दूसरे को प्यार से बधाई देते हैं। शत्रुओं पर मित्रता की विजय होती है। इस दिन रंग लगाए जाते हैं और गाने गाए जाते हैं। बंधुओं, इस दिन लोग भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा करते हैं। राधा और कृष्ण पर गुलाल और अबीर लगाकर पूजा की जाती है। होली की तरह रंगों का यह त्यौहार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। रंग पंचमी का उत्साह हर तरफ देखने को मिलता है। इस पर्व पर कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और ये व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस पर्व को सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बंधुओं, पंचमी तिथि 22 मार्च 2022 सुबह 28:21 तक रहेगी, अर्थात 4:21 तक रहेगी। बंधुओं, इस दिन देवताओं को रंग समर्पित किया जाता है। भक्त इस दिन देवताओं पर रंग लगाते हैं। रंगों का त्योहार होली विशेष रूप से मनाया जाता है। यह त्योहार एक विशेष दिन है जो देवी देवताओं को समर्पित है। इस दिन भगवान को अबीर और गुलाल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन रंगों का प्रयोग सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। इस दिन हर तरफ भक्ति का माहौल होता है। रंगों में डूबे वातावरण में इसका महत्व स्पष्ट है। हवा में इन रंगों को लेकर कई मान्यताओं का अपना महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गुलाल, अबीर जैसे रंग व्यक्ति को भीतर से खुश कर देते हैं। ये रंग किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं जो किसी व्यक्ति में ही हो सकती है, और सकारात्मक वाइब्स लेकर आती हैं। संगीत और रंग से भरपूर यह पर्व इसमें अहम भूमिका निभाता है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति भी अपने चरम पर रहती है और विभिन्न रंगों से भर जाती है। इस दिन रंग बिखेरे जाते हैं। इस दिन पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। बाग बगीचे खिले फूलों से भर जाते हैं।
पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी और मनुष्य आदि आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं। ढोल नगाड़ों की धुन से सभी नृत्य संगीत और नंगों में डूबे रहते हैं। चारों तरफ रंगों की बौछार देखी जाती है। भगवान भी अपने भक्तों को आकाश में रंगों के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। रंग पंचमी के दिन व्रत करने से जीवन की सभी बड़ी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। बंधुओं, यह वह समय है जब जीवन नकारात्मक और प्रतिशोधी कमजोरियों पर पवित्रता का प्रतीक बन जाता है। सद्गुण की प्रगति को विजय का प्रतीक माना जाता है। रंग पंचमी की अवधि साधना के मार्ग को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। रंग पंचमी का त्योहार जीवन के हर तत्व को प्रभावित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए उनमें से प्रत्येक अवतार एक रंग का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान ने सभी को रंगों में डुबोकर धूलि वंदन किया। धूलि वंदन का अर्थ है त्रेता युग में भगवान द्वारा विभिन्न अवतारों की शुरुआत। रंग पंचमी का त्योहार जो देश के विभिन्न हिस्सों में होता है आज तक मौजूद लोक परंपराओं से जुड़ा है। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोग रंग पंचमी के दिन रंगों से खेलते हैं और सभी भगवान की पूजा करते हैं। रंगारंग यात्राएं आयोजित की जाती हैं। इस सफर में कई रंग बिखेरे जाते हैं। पूरा रास्ता रंगों से भरा जाता है। कुछ जगहों पर रंगों से खेलने का उत्सव धुलंडी में शुरू होता है जो होली दहन के ठीक बाद होता है और रंग पंचमी तक चलता है। रंग पंचमी समाप्त होने पर ही होली समाप्त होती है। बंधुओं, रंग पंचमी की पूजा किस प्रकार करें? रंग पंचमी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। नहाने के बाद शुद्ध और साफ कपड़े पहने पूजा करने के लिए देवताओं की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान को धूप, सुगंध, सिंदूर, चंदन, अबीर का भोग लगाना चाहिए। अबीर चढ़ानी चाहिए। इन सभी चीजों को चढ़ाने के बाद विधिवत पूजा कर पूजा अर्चना करें। इसके बाद भगवान को रंग लगाएं और पूरे परिवार को ही यह पर्व अवश्य मनाना चाहिए। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।